दोस्तों आज चलते हैं प्रोजेक्टाइल के 13वें नंबर क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दी है 6i + 8j, यानी कि अब सवाल में वेक्टर लग गया है। प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशन तो मोशन होता है, आई जे यानी एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए गए हैं। बताना क्या क्या है आपको बताना है? हॉरिजेंटल रेंज, आप जानते हैं कि साहब हॉरिजेंटल रेंज किसके बराबर होती है? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। यानी अगर आपको थीटा मिल जाए तो आप काम कर सकते हैं, और आपको यू मिल जाए, जी की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे सूरत हाल में हमको यू मिल जाए। यू आप जानते ही हैं, इसीलिए इतना वेक्टर मैंने पढ़ाया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है 36, ये होता है 64, जो कि 100 बनता है। तो आप कह सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है। अब आइए, अगर आपको एंगल मिल जाए तो आपका काम बन जाए। आपने कहा सर हमको जब भी आपने बताया था वेक्टर में टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जे परपेंडिकुलर लेते हैं, ये आपका इतना है, आप कह सकते हैं 4/3, याद आया सिखाया था, ये बराबर 10 53 डिग्री, बस काम बन गया मित्रों। आपको यहां से आपको एंगल भी मिल गया, अब आप हर एक चीज निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, आपको वेलोसिटी भी मिल गई, एम आई राइट, एंगल भी मिल गया, अब चाहे आप रेंज निकालें, चाहे आप मैक्सिमम हाइट निकालें, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, सब कुछ निकाल सकते हैं। आइए रेंज के पास चलते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। U आपका हो जाएगा 10 × 10 का स्क्वायर, जिंदगी आसान करने के लिए G आपने 10 ले लिया है, और इसको ले लेंगे हम 2 sin θ यानी 53 × cos 53। याद आया बेटा आपको फार्मूला? आपको फार्मूला याद आया कि sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ। काम बन गया बेटा, इसको इससे उड़ा लीजिए, 10 × 2 53 आपका हो जाएगा कितना? हो जाएगा 4/5, 53 है तो 3/5, क्योंकि जैसे आप पहुंचेंगे कम हो जाता है, 5 × 2 = 10, एम ए राइट। अब आप यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 16, 16 × 32 = 48, 5 × 9 = 3 बचा 45 और 3, तो हो गया आपका 6 मीटर। आइए दूसरी चीज आपको क्या निकाल सकते हैं इसमें, मैक्सिमम हाइट। आपने देखा था मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आराम से आप लिख सकते हैं 10 × 10 sin 53, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4/5 का स्क्वायर यानी 4/5 × 4/5 अपॉन 2 × 10, इससे ये गया 5 × 10 गया, आप कह सकते हैं 4 × 16/5, 5 × 3 = 15, 1 = 1, 5 × 2 = 10 मीटर। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, हम एक ही साथ चलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ / g, याद आया होगा 2 × 10 sin 53, 4/5 / 10, आप आराम से कह सकते हैं 8/5,
या आप कह सकते हैं टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू 5 × 5 बचे 3 5 36 सेकेंड। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था कि अगर वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है तो आप रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ लाइट निकाल सकते हैं।